भक्तजनों, माताओं बहनों, सादर जय श्री कृष्ण। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आचार्य धर्मेंद्र शास्त्री। आज हम आपको कार्तिक माह के 30वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। आपसे अनुरोध है कि इस कथा को अंत तक जरूर सुनिएगा और अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। कार्तिक का महीना बड़ा ही पुण्यकारी महीना होता है। इस महीने में जो मनुष्य प्रातः जल्दी स्नान करता है और उसके बाद भगवान विष्णु का, शालिग्राम भगवान का, गोपाल जी का पूजन करता है तथा ब्राह्मण को अन्नदान, वस्त्रदान, गोदान या कोई भी कार्तिक माह के निमित्त दान पुण्य करता है, उसे अनंत गुना, अक्षय गुना पुण्य फल की प्राप्ति होती है। तो अब हम आपको कार्तिक महीने के 30वें अध्याय की कथा सुनाने जा रहे हैं। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री अखंड मंडलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। वसुदेव सुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानंदं कृष्णं वंदे जगद्गुरुं। जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय गोपी चित चोर प्रभु, जय जय माखन चोर। मात मेरी श्री राधिका, पिता मेरे घनश्याम, इन दोनों के चरणन में मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम, मेरा बारंबार प्रणाम। मोहिनी मूरत श्याम की वो मन रही समाय, जो मेहंदी के पात में लाली रही समाय। धन यौवन एक दिन उड़ जाएंगे जैसे उड़े कपूर, मन मूरख तू राम भज क्यों चाटे जगधूर। राम कृष्ण दो एक है अंतर नहीं निमेश, इनके नयन गभीर है उनके चपल विशेष। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। कार्तिक मास की कथा करती भव से पार, 30वां अध्याय लिखूं हुई हरि कृपा अपार। भगवान कृष्ण ने कहा कि हे प्रिय, नारद जी के वचन को सुनकर के महाराजा प्रथु बड़े विस्मित हुए। अंत में उन्होंने नारद जी का पूजन करके उनको विदा किया। इसलिए माघ, कार्तिक और एकादशी यह तीन व्रत मुझे अत्यधिक प्रिय है। वनस्पतियों में तुलसी जी, महीनों में कार्तिक का महीना, तिथियों में एकादशी और क्षेत्रों में श्री प्रयाग मुझे बहुत अत्यधिक प्रिय है। जो प्राणी जितेंद्रिय होकर के इनका सेवन करता है वह यज्ञ करने वाले मनुष्य से भी अधिक प्रिय लगता है। जो प्राणी विधि से इनकी सेवा करते हैं उनके समस्त पाप मेरे अनुग्रह से दूर हो जाते हैं। भगवान कृष्ण के वचन को सुनकर के सत्यभामा जी ने कहा कि हे नाथ, हे परमेश्वर, हे द्वारकाधीश, आपने यह बात बड़ी आश्चर्यजनक कही है। दूसरों के लिए पुण्य के फल से कलहा की मुक्ति हो गई। यह प्रभावशाली कार्तिक मास आपको अधिक प्रिय है कि जिससे पति द्रोह का पाप केवल स्नान के पुण्य से ही नष्ट हो गया। दूसरे मनुष्य द्वारा किया हुआ पुण्य उनके देने से कैसे मिल जाता है, यह आप कृपा करके मुझे समझाइए, मुझे बताइए। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि बिना दिया हुआ पुण्य और पाप जिस कर्म द्वारा मिलता है सो सुनो, सतयुग में देश तथा ग्राम तथा कुलों को दिया हुआ पुण्य या पाप मिलता था, किंतु कलयुग में केवल कर्ता को ही पाप और पुण्य का फल भोगना पड़ता है। संसर्ग न करने पर भी वह व्यवस्था की गई है और संसर्ग से जैसे पाप व पुण्य दूसरे को मिलते हैं उसकी व्यवस्था सुनो। पढ़ना, यज्ञ करना और एक साथ भोजन करने से पाप पुण्य का आधा आधा फल प्राप्त होता है। एक आसन पर बैठने तथा सवारी पर चढ़ने से, श्वास के आने जाने से पुण्य व पाप का चौथा भाग प्राणी मात्र को मिलता है। स्पर्श करने, भोजन करने से और दूसरों की स्तुति करने से पुण्य और पाप का छठवां भाग मिलता है। दर्शन करने, सुनने तथा ध्यान करने से मनुष्य को पुण्य और पाप का दसवां अंश प्राप्त होता है। दूसरों की निंदा करना, चुगली और धिक्कार करने से उसका सातवां भाग मिलता है। पुण्य करने वाले मनुष्यों की जो कोई सेवा करता है
वह सेवा का भाग लेता है और अपना पुण्य उसे देता है। नौकर और शिष्य के अतिरिक्त जो मनुष्य दूसरे से सेवा करवाकर उसे पैसा नहीं देता है तो वह सेवक उसके पुण्य का भागी होता है। पंक्ति में बैठे हुए भोजन करने वालों की पत्तल जो व्यक्ति लांगता है, यानी भोजन करने वाले की पत्तल को लांगने से वह जिसकी उसने पत्तल लांगी है उसके पुण्य का छठवां भाग देता है। स्नान तथा ध्यान आदि करते हुए मनुष्य को जो व्यक्ति बातचीत करता है या उससे स्पर्श करता है वह अपने पुण्य का छठवां भाग दे डालता है। जो मनुष्य धर्म के काम के लिए दूसरों से धन मांगता है वह पुण्य का भागी होता है। ठीक उसी तरह जिस तरह की दान करने वाला पुण्य का भागी होता है। जो मनुष्य धर्म का उपदेश करता है और उसके बाद श्रोता से याचना करता है वह अपने पुण्य का छठा भाग उसे देता है। जो मनुष्य दूसरों का धन चुरा करके उससे धर्म करता है और वह चोरी का फल भोगता है तो शीघ्र ही वह गरीब यानी निर्धन बन जाता है और जिसका धन चुराता है वह पुण्य का भागी होता है। बिना ऋण के उतारे जो मनुष्य मर जाते हैं उनको ऋण देने वाले सज्जन पुण्य के भागी होते हैं। शिक्षा देने वाला, सलाह देने वाला, सामग्री को जुटाने वाला तथा प्रेरणा देने वाला यह पाप और पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करते हैं। राजा प्रजा के पाप पुण्य के षष्ठांश का भोगी होता है। गुरु शिष्यों का, पति पत्नी का, पिता पुत्र का, स्त्री पति के लिए पुण्य का छठा भाग पाती है। पति को सुख देने वाली, पति को खुश करने वाली आज्ञाकारी स्त्री पति के लिए पुण्य का आधा भाग ले लेती है। जो पुण्यात्मा पराये लोगों को दान करते हैं वह उनके पुण्य का छठा भाग प्राप्त करते हैं। जीविका देने वाला मनुष्य जीविका ग्रहण करने वाले मनुष्य के पुण्य के छठे भाग को प्राप्त करता है। इस प्रकार दूसरों के लिए पुण्य अथवा पाप बिना दिए भी दूसरे को मिल सकते हैं, किंतु यह नियम जो मैंने बतलाए हैं जो कलयुग में लागू नहीं होते हैं। कलयुग में तो एकमात्र कर्ता को ही अपने पाप व पुण्य भोगने पड़ते हैं। इस संबंध में एक बड़ा पुराना इतिहास है, पवित्र कथा है जो बुद्धि देने वाली है, वह जो है आपसे कहता हूं ध्यान पूर्वक सुनना। यह कथा आपको 31वें अध्याय में आगे चलकर के सुनने को मिलेगी। अब यहाँ पर 30वां अध्याय समाप्त होता है। बोलिए गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। अच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरे श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम श्री जानकी नायकम श्री रामचंद्रम भजे जानकी मनोहरम सर्वलोक नायकम श्री शंकरादि सेवितम पुण्य नाम कीर्तनम श्री राम 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 नाम तायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम रामकृष्ण वासुदेवा भक्ति मुक्तिदायकम। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। गोपाल कृष्ण भगवान की जय। श्री राधे रानी सरकार की जय। श्री वल्लभाधीश की जय। श्री यमुने महारानी की जय। श्री गुसाई जी महाराज की जय। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो, सनातन धर्म की जय हो, गौ माता की जय हो, नगर बस्ती की जय हो, आज के आनंद की जय हो, कल के आनंद की जय हो, परसों के आनंद की जय हो, बरसों बरसों के आनंद की जय हो। ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। हर भक्तजनों, माताओं बहनों, हमने आपको जो ज्ञानवर्धक कथा सुनाई है, कथा सुनने के बाद यदि आप दान स्वरूप धनराशि प्रदान करना चाहते हैं तो आप हमारे पेटीएम के माध्यम से, गूगल पे के माध्यम से, फोन पे के माध्यम से या अकाउंट नंबर के माध्यम से सीधे सीधे धनराशि पहुंचा करके कार्तिक माह का संपूर्ण पुण्य फल आप प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आपसे अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।